तो सर जो आप ये अपने सारे वीडियोस में इतनी सारी चक के पैटर्न्स बजाते रहते हो, वो कैसे सीखें? चक चक बजाते हैं लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं आती, तो चक क्या है, कैसे बजाते हैं, लोगों को चक इतना क्यों पसंद है, और हम अपने सारे सॉन्ग्स में थोड़ा बहुत अगर चक का यूज करना चाहें तो कैसे करें, तो ये आज मैं बताने वाला हूँ। और बहुत ही छोटे वीडियो में, ऐसा नहीं कि लंबा सा एक वीडियो बना दिया है, 5 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूँ। और चक अगर आप सीखना चाहते हैं सच में तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको चक पहले से आता है तो इस वीडियो को कतई ना देखें भैया, आई बटन आ रहा है, आई बटन में एक मैशअप मैंने बनाया है, वो जाके देख लें, ठीक है जी। तो चक कैसे बजाएं, उससे पहले ये बता दें कि भैया चक होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता होगा, वैसे तो ज्यादातर आप लोग समझदार हैं, आपको पता होगा चक क्या होता है, तो पहले बता दूं चक होता क्या है। एक्चुअली चक का इन्वेंशन क्यों हुआ, या फिर चक बजाना हमको सुनने में अच्छा क्यों लगता है, लोगों को बजाना क्यों अच्छा लगता है और हमको सुनने में अच्छा क्यों लगता है, इसके पीछे वजह है कि जब हम गिटार बजाते हैं और नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न्स बजाते हैं तो उसमें हमको रिदम तो मिलती है, लेकिन वो रिदम बहुत ज़्यादा ऑडिबल नहीं होती है, समझ रहे हैं। जब हम चक बजाते हैं तो एक क्लिक्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, जिससे हमें एक बीट मिल जाती है, एक परकशन टाइप मिल जाता है, इसीलिए लोगों को भी चक बहुत पसंद आता है और हमको भी उस चक बहुत पसंद आता है। अगर हम सिंपल रिदम बजाएंगे तो सामने वाले को स्वर तो मिलेंगे लेकिन रिदमिक सेंस इतना नहीं मिल पाएगा जितना कि चक में मिलता है, क्योंकि चक में हम अपने गिटार को भी थोड़ा सा साउंड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं। तो यही वजह है कि लोगों को, जो सुनने वाले ऑडियंस है उनको भी चक बहुत पसंद आता है, और जो म्यूजिशियंस हैं यानी कि जो आप जैसे लोग हैं, जो कलाकार लोग हैं या जो कलाकार बन रहे हैं, उनको भी चक बजाना उतना ही अच्छा लगता है। तो हम सीखेंगे आज बहुत बारीकी से पास में आके कि भैया चक बजाते कैसे हैं। तो चक, चक का मतलब है कि जब हम उसको प्ले करें तो चक जैसी आवाज आए, ठीक है, बस उसी को हम चक बोलते हैं। तो क्या है, जब हम नॉर्मल रिदम प्ले करते हैं तो हमारी आवाज कुछ ऐसी आती है, चक जब हम प्ले करते हैं तो हमारी आवाज कैसी आती है, थोड़ा सा पास आएंगे और हम देखेंगे इस चीज को कि चक प्ले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नहीं करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अलग अलग यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत गलत चीज है जो वो आपको बताते हैं कि चक में हिट करना होता है गिटार को या ब्रिज को। ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर आप गिटार के इस पोर्शन को, जहां पर मैं हाथ लगा रहा हूँ, इसको आप हिट करेंगे तो आपके गिटार का जो बैलेंस है, इसकी जो इंटोनेशन है, वो बिगड़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल बिगड़ जाएगी, क्योंकि अगर आप बार बार हाथ अपने ब्रिज पर मारेंगे तो उसके उखड़ने की चांसेस हैं। अगर आप स्ट्रिंग पर भी बार बार ऐसे हाथ मारेंगे तो ये स्ट्रिंग भी प्रेशर डालेगी अल्टीमेटली आपके ब्रिज पे, तो वो तब भी उखड़ेगा। तो ऐसे हिट नहीं करना है। ये जो आपका पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, इसे हिट नहीं करना होता। क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग पे जब आप पिक मारते हैं तो उस पर ऐसी आवाज होती है। चक का मतलब है कि जब आप इस पे हिट करें तो आवाज तो क्रिएट हो, लेकिन उसको आप रोक दें, अपने हाथ से। मतलब कि आवाज क्रिएट करनी होती है पिक से, ना कि अपने हाथ से, ठीक है। जब आप उसको हिट करेंगे तो एक आवाज क्रिएट होगी, उसी को हम चक बोलते हैं। यूं मार देने को चक नहीं बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको प्ले करना सिखाता हूं। डाउन अप चक, ये देखिए, ये पिक देखिए, ये आवाज है। हम मारते हैं और उसी को म्यूट करते हैं, मारते हैं और म्यूट करते हैं। यही प्रोसेस है। बस ये प्रोसेस के बीच में जो टाइम इंटरवल है ना, वो इतना ज्यादा कम होता है कि आपको पता नहीं पड़ता कि जो आर्टिस्ट है उसने जो हिट करा है उसी को म्यूट करा है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो मारा आपने, इसी को आपने रोक दिया। ये देखिए कि बस आप क्या करते हो कि जो स्ट्रिंग से जो आवाज निकलनी चाहिए उसको निकलने नहीं देते, उसको म्यूट कर देते हो, उसी को हम चक बोलते हैं। कॉर्ड चेंज करते हैं,
दोस्तों ये अलग अलग पैटर्न्स थे चक के जो हम प्ले करते हैं। ध्यान रखिए तेज तब प्ले करिएगा जब आपको स्लो प्ले करना आ जाए, उसके बाद आप तेज कर सकते हैं स्लाइटली, उसके बाद आप और तेज कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके उनकी डिमांड पे वीडियो बनाऊं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं। जो समझदार लोग होंगे वो हमारे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी 100,000 लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे आपका कमेंट बहुत इजीली रीड आउट हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाइए, अपना कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिए, आपके लिए वीडियो तुरंत बनेगा। जी हाँ, 48 घंटे के अंदर बनेगा आपका वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो सब्सक्राइब तो मत करिए, लेकिन एक कमेंट छोड़ दीजिए कि आपको इस वीडियो में ये चीज़ समझ में नहीं आई या इस वजह से हमको अच्छा नहीं लगा, ठीक है जी। तो हम आपके लिए बनाएंगे अगला वीडियो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है जी। तो इस चैनल पे आपको सिखाया जाता है कि भैया गिटार कैसे बजाते हैं या गिटार के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, केवल गाने कवर करना नहीं सिखाया जाता। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट डालिए, जी हाँ कमेंट डालिए, केवल सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो वीडियो है बार कॉर्ड्स, कि भैया बार कॉर्ड्स कैसे प्ले करें, आसानी से कैसे प्ले करें, और 2 दिन में यानी कि 48 घंटे में बार कॉर्ड्स कैसे सीखें। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप तक पहुंचे तो भैया बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि यहाँ मैं वीडियो डालूँ और फट से आपके पास आ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।